अभी मैं थोड़ा सीढ़ी उतर के मज़ार से इस तरफ आ रहा हूँ, नीचे की तरफ। यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे भी हैं, पत्थर भी हैं। देखिए यहाँ पे ये मलार का नीचे का हिस्सा है। हाँ, देखिए मेरे साथ, ये थोड़ी जगह सही नहीं है, पत्थर ऐसे हो रहे हैं इसलिए चलने में दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं आपको जहाँ तक ले जा सकता हूँ ले जा सकता हूँ। ये देखिए मेरे जस्ट पीछे ये भी किनारा है। थोड़ा संभाल के चलना पड़ रहा है वरना मैं गिर भी सकता हूँ। हमारा बड़ा तालाब भी किसी समुद्र से कम नहीं है। यहाँ पे काफ़ी विशाल विशाल बड़ा तालाब है ये, और चारों तरफ देखिए आप, इस तरफ तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र में कभी अपन देखते हैं, और दूसरा किनारा नहीं दिखाई देता, बिल्कुल वैसा व्यू आता है यहाँ पे। और कुछ हम कई बार हमने देखा है कि समुद्र में भी ऐसे व्यू देखने को आपको नॉर्मली मिल जाते हैं। देखिए आप मेरे पीछे जाट किला वो लेकियों का एरिया है, और ये अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो ये है, ये पासमी तालाब है, और मैं आपको चारों तरफ का दिखा देता हूँ। ये यहाँ से भी चढ़ के आया हूँ। ये बड़े तालाब का ये जो सुकून है ये इस मज़ार पे आके ही आपको मिलेगा। चारों तरफ हरियाली हरियाली के बीच एक टापू, टापू में एक मज़ार बाबा अली शाह रहमतुल्ला अलैह। अभी मुझे मोर की भी आवाज़ सुनाई दे रही है, पास से ही आ रही है। इसके अलावा कौओं की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाट, ये जो प्रकृति के जो नज़ारे हैं आप वो यहीं आके। देखिए अभी मैं स्टिक के द्वारा आपको वीडियो शूट करके बता रहा हूँ, ये नज़ारा स्टिक से अलग दिखता है, और वैसे अपन देख रहे हैं तो वो अलग नज़ारा दिखेगा आपको। मैं भी बाबा शाह अली शाह रहमतुल्ला अलैह के मज़ार में हूँ, और ये आप देख रहे हैं ये पीछे का हिस्सा है, और ये मेरे जस्ट पीछे एक शेड डला हुआ है। इस शेड में काफ़ी लोग बैठ सकते हैं, रुक सकते हैं जो यहाँ पे आते हैं। वैसे यहाँ पे रात में रुकना मना है, सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन दिन में जो भी आता है धूप है या पानी है तो उससे बच सकते हैं। ये मज़ार के पीछे का हिस्सा है, और नॉर्मली नॉर्मली यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती क्योंकि आज संडे, इसलिए काफ़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं यहाँ पे मज़ार के दर्शन करने। अभी मैं आपको अगर परमिशन मिलती है तो मज़ार के अंदर का भी ज़ियारत करवाता हूँ। बाकी आप देखिए यहाँ पे ऑफ कैमरा कई लोगों से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि रात्रि के समय यहाँ पे बहुत से सांप, मगरमच्छ और कई जानवर आ जाते हैं, जिनके डर की वजह से कोई भी यहाँ पे रात को रुकना पसंद नहीं करता, क्योंकि उन जीव जंतुओं में सांप, मगरमच्छ, चीतल, सांबर, पेंथर आदि भी पाए जाते हैं। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, नहीं, मारो यार, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अभी हम मज़ार के अंदर हैं, देखिए आप, बाबा शाह अली शाह रहमतुल्ला अलैह का मज़ार है ये, और अभी हम उनके मज़ार की ज़ियारत कर रहे हैं। लोग दूर दूर से यहाँ पे इनके मज़ार की ज़ियारत कराने आते हैं। ये एक शेड है, वो शेड के अंदर ही मदार है। दोस्तों मैं अभी मदार के अंदर ही हूँ, और मैं ज़्यादा देर यहाँ पे अभी वीडियो नहीं बना सकता। चलिए फिर मैं अभी बाहर का बताता हूँ आपको।
मेरा नाम नासिर खान है, जो भी आपको लेगा यहाँ पर हजरत शाह अली शाह बाबा जी दर्जा पे भी कंट्रोल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मज़ार के पास ही एक दुकान है जिसके अंदर फूल वगैरह जो भी मज़ार में अर्पण किया जाता है वो सारी चीज़ें मिलती हैं। चलिए मैं इस शॉप के ओनर से आपको मिलवाता हूँ। भाई साहब, आपका शुभ नाम? नासिर खान। जी, कब से हैं आप यहाँ पे? मेरे को 7 साल हो गए साहब। जी, कुछ बताइए मज़ार के बारे में। जी साहब, ये जनाब हजरत शाह अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है बॉम्बे समंदर में, जो हाजी अली बाबा है उनके छोटे भाई है, अहले कश अब्दाल में से हैं ये। यहाँ आने वाले हर एक की मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सारी जाति के आते हैं और आके चादर फूल की टोकरी लेते हैं। चादर की ज़रूरत होती है वो चादर लेते हैं, जिन्हें अगरबत्ती की ज़रूरत होती है अगरबत्ती भी रखते हैं हम यहाँ पर। जी जी, सभी चीज़ें रखते हैं साहब। और ये यहाँ वीच करके जाते हैं, पूरी होती है, बोर्ड में बैठ के आते हैं। पानी के चारों, इसकी दरगाह के चारों तरफ पानी है। और यहाँ पर एक हमारे हाजी अली हाजी बाबा साहब है जो बुज़ुर्ग के सेवा करते हैं। हाजी साहब बड़ी इंटरव्यू लेते हैं। जी 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 जी, हाँ, पानी की भी फुल सुविधा, यहाँ पानी भर के रखते हैं जो कस्टमर आते हैं, ठंडा पानी गर्मी में। मतलब कोई आता है यहाँ पे तो उसको दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं उसको, किसी बात की दिक्कत नहीं होती। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद जनाब। फ्रेंड्स, मैं अभी बाबा शाह अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास ही हूँ और चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी हरियाली है और घूम भी रहा हूँ। देखिए आप, ये जस्ट मेरे पीछे पूरा हरियाली है या फिर पानी है। और पानी से मुझे याद आया है, जस्ट मेरे पीछे देखिए वाटर, मतलब जो वाटर कूलर का इंतज़ाम किया गया है, जिसको भी पानी पीना है तो यहाँ पर साफ़ सुथरा पानी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बॉटल लाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लाते हैं तो भी यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। नाम है सर आपका? पंकज बात हूँ। तो सर आप यहाँ पे क्या करते हैं? सर बोट चलाते हैं हम। तो बोट चलाते हैं? जी सर। कब से हैं यहाँ पे आप? हम तो सर बचपन हमारा यहीं पे बीता हुआ। बचपन आपका यहीं बीता है? जी, तालाब गंगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था यहाँ पे कितने पर्यटक डेली आ जाते हैं? अच्छे आते हैं लोग, बाहर की पे सब लोग आते हैं। ऐसा नहीं है, बाबा साहब की दरगाह है, हमारी यानी दरगाह है ये। हाँ। बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छी सब करते हैं, दूर दूर से दूर दूर से सब लोग आते हैं यहाँ पर। सर चलिए सर, धन्यवाद आपका। ओके सर, थैंक यू। बाबा साहब के मज़ार के लिए एक गेट ये भी है, आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं। देखिए ये मेरे जस्ट पीछे और एक फ्रंट गेट उस तरफ है और एक गेट यहाँ पे है, क्योंकि पानी का पता नहीं रहता है कि जब बारिश होती है तो किस जगह पे ज़्यादा झाड़ियाँ रहती हैं, ज़्यादा पेड़ पौधे उग जाते हैं, क्योंकि जिस तरफ ज़्यादा पेड़ पौधे हों तो उधर नाव नहीं जा पाती, इसलिए काफ़ी गेट का इंतज़ाम किया गया है। जिस तरफ कम झाड़ी होती है और वहीं पे रास्ता बन जाता है। अब जैसे अभी इन दिनों में उस तरफ का रास्ता खुला हुआ है और कभी यहाँ का भी रास्ता खुल जाता है तो लोग यहाँ से भी आते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ मैं किस तरफ खड़ा हूँ, ये भी रास्ता है एक, और यहाँ से अगर अपन आते हैं तो ये सीढ़ियों के ज़रिए मज़ार में जा सकते हैं। यहाँ पे जो मुजाविर साहब। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आपका नाम क्या है? मैं हाजी अकील में सिद्दीकी लिखता हूँ, आलिम जामे दर मिस्र से यहाँ पर नमाज़ पढ़ाने आता हूँ। मस्जिद है एक दरगाह के आगे, जिस मस्जिद का नाम है मुफ्ती अब्दुल रज़ाक खान साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ नमाज होती है। जो मुजाविर कह रहा हूँ, जो भी ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर उनसे पहले कहा जाता है अगर आप मुसलमान हैं आपने नमाज़ पढ़ी हो तो ठीक है, नहीं तो अव्वल वक्त में आप नमाज़ पढ़िएगा। नमाज के बाद यहाँ अंदर जाइए या बाहर से खड़े होकर अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़िए और इसारे सवाब कीजिए। और मज़ीद आपको जो पढ़ना है सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह जुमा, जो भी पढ़ना चाहते हो पढ़ें। और मोमिन ईमान वाला उसको कुरान फॉलोअर होना चाहिए, कुरान की रूह से सारे अमल करना चाहिए, शिर्क और बिदअत से बचना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में फरमा दिया
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و یرضی، کہ میں بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن کفر اور شرک قطعی معاف نہیں کروں گا۔ تو ہم سارے مومنین مومنات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو ماننا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے، شرک بدعت سے بچنا چاہیے، گناہ عظیم ہے یہ، ان کو اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان پر تلاوت کر کے بخشا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ تو ہم یہی چاہیں گے کہ آپ بھی اگر کوئی دل میں عظمت لائیں ان کے لیے یا ان سے کچھ فیضاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں ان کا اکاؤنٹ کلوز ہو گیا، یہ اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہیں، آپ ان کے لیے پہلے بخشیں، پڑھیں، عیسیٰ علیہ ثواب کریں، پھر ان سے یہ دعا کریں کہ اللہ کے بزرگ بندوں کہ آپ اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں، ایسا سنا ہے، آپ ہمارے اپنے خیر کے فیصلے فرمانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ بس یہی کہوں گا میں آپ سے، صدق اللہ العلی العظیم ورفعنا وإياكم بالعتب الذکر الحکیم، انه تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم، وإلهکم الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ شکریہ شکر میرے بھائی، دوستو اب میں ناؤ میں واپس جانے کے لیے بیٹھ چکا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی ناؤ کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، میں نے سوچا ان سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں، ان سے کچھ جانکاریاں لے لیتے ہیں، آئیے بات کرتے ہیں ان سے۔ بھائی صاحب آپ کا شبھ نام؟ میرا نام راکیش شریواستو ہے۔ اچھا کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم بہار سیوان سے آئے ہیں۔ سیوان سے آئے ہیں؟ سیوان جنکشن۔ کیسا لگ رہا ہے ہمارا بھوپال؟ بہت بڑھیا ہے، ایک دم مزہ آ گیا ہے، امس کچھ زیادہ ہے، زیادہ گرمی ہے، ہیومیڈیٹی زیادہ ہے۔ ابھی کہاں کہاں گھوم لیے آپ؟ ابھی تو ابھی بڑے تالاب آئے ہیں، اب جو جائیں گے پھر اس کے بعد سے سیر سپاٹا جائیں گے۔ بابا کے مزار جب آئے تھے آپ، جی جی، لگا آپ کو یہاں کا؟ بہت بڑھیا، اچھا لگا بالکل۔ اور پریٹکوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے بھوپال، آئیے ایک بار ضرور یہاں پہ وزٹ کریے، لیک ویو پہ آ کے۔ آپ پوری فیملی کے ساتھ آئے؟ جی جی جی، فیملی کے ساتھ، ہماری سسٹر ہیں، جی ہماری سسٹر ہیں، یہ بات کر رہی ہیں، جی جی۔ میرا کیسا لگا آپ کو یہاں کے؟ اچھا لگا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ساکشی سرواستو۔ اچھا، اور کون سی کلاس میں آپ؟ 9۔ اچھا، سمر ویکیشن میں آئے ہوں گے آپ، ہے نا؟ ہاں۔ تو اور کہاں کہاں گھومنے کا ارادہ ہے ابھی؟ ابھی جو جانا ہے سیر سپاٹا، اس کے بعد سے دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ منو بھگوان کی ٹیکری بھی جائیے گا، اگر کچھ دن رکے ہیں تو سانچی کے استوپ بھی گھوم کے آئیے گا، وہ ورلڈ ہیریٹیج میں آتے ہیں، اور یہاں پہ ایک ایشیا کی لارجسٹ مسجد ہے تاج المساجد، وہاں پہ بھی جائیے گا، کیونکہ آپ باہر سے آ رہے ہیں اس لیے میں آپ کو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ چلیے، تھینک یو، تھینک یو۔ آپ بھی کچھ بول دیجیے بیٹا۔ کچھ بھی۔ کیسا لگا بھوپال آپ کو؟ اچھا لگا، اچھا لگا وہ؟ ہاں بہت اچھا۔ بابا جی کے مزار آئے تھے آپ یہاں پہ، کیسا لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا ہے۔ اچھا ہے، ہاں چلیے، تھینک یو۔ فرینڈس اب میں یہ مزار کو لگ بھگ پوری طرح سے آپ کو دکھا چکا ہوں، ساتھ ہی اس مزار پہ کیا جو بھی ہسٹری تھی یا جو بھی تھا وہ میں بتا چکا ہوں، اس کے ساتھ ہی اب میں اس بلاگ کو یہیں اینڈ کرتا ہوں، اور ملتے میرے اگلے بلاگ میں، اور میرے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، اور دیکھتے رہیے انڈین بلاگس۔ جے ہند، جے بھارت۔